गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एन आई एस डेली रेड्डा में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं और हमारे जो एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर का वो पास है और आई होप आप सभी प्रिपरेशन में बिजी है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ सीरीज़ भी दिया है एंड उसके साथ MCQs भी डालेंगे, ऑलरेडी डाल दिया है यूनिट वाइज। तो आप लोग अगर नए हैं तो देख सकते हैं और अगर आप ओल्ड व्यूअर हैं तो आप आके देखिए और आपकी प्रिपरेशन को तगड़ा बनाइए। तो चलिए, आज ये वीडियो जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग CTET अप्लाई करने वाले हैं उनको बता देते हैं कि आज 5 मार्च है और आज CTET अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए, शाम 5 बजे के पहले कर लीजिए। तो अगर आप फ्री है अभी तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, इवनिंग को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप जल्द से जल्द कर लीजिए। और अगर आप लोग पेमेंट कर नहीं पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट आप 8 तारीख तक कर सकते हैं। तो आज फॉर्म फिलअप अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, पेमेंट नहीं हुआ है तो डोंट वरी, 8 तारीख तक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने नहीं किया है तो आपको बता देते हैं कि CTET का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को CTET के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ctet.nic.in इस पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकेंगे इसका जो मेन पेज होगा उसमें जाएंगे, नीचे होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CTET 2019। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐसा एक पेज आएगा स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, उस पर नीचे जो अप्लाई बटन है वहाँ पे क्लिक करिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 स्टेप है, एक तो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद इमेज अपलोड करना है और लास्ट में फ़ी पेमेंट करना है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा सब कुछ। फिर देखिए यहाँ पे हाँ, अगर आप जनरल है फ़ीस देख लीजिए, अगर आप जनरल है और एक पेपर में अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को 700 पे करना पड़ेगा, और अगर बोथ पेपर कर रहे हैं तो 1200 देना पड़ेगा। अगर आप SC ST या फिर एबल्ड डिजेबल कैटेगरी से है तो आप लोगों को 350 देना पड़ेगा पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए 600 देना पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये ऑनलाइन भी पैसा दे सकते हैं और चालान के थ्रू भी दे सकते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद इमेज आपके जो फोटोग्राफ है उसको आप अपलोड करेंगे, और आपके जो सिग्नेचर है उसे अपलोड करेंगे, और लास्ट में पेमेंट करेंगे। तो ये सब पढ़ने के बाद आप नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का साइज़ भी दिया गया है, 10 KB से लेके 100 KB तक होना चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर का वो। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग नीचे यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शन वहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाम, पापा का नाम, मम्मा का नाम, फिर आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आप बैंक पासबुक या फिर आधार, फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर कुछ सब, अगर एक आइडेंटिटी टाइप देना पड़ेगा, उसका नंबर जो है, अगर बैंक अकाउंट देंगे तो बैंक अकाउंट के नंबर देना पड़ेगा, और हाँ एग्ज़ाम के वक्त भी अगर हो सके तो बैंक, अगर आप लोगों ने पास बैंक अकाउंट का नंबर दिया तो पासबुक लेके जाएगा एज आइडेंटिटी। तो उसके बाद आप लोगों को जेंडर लिखना है, फिर एड्रेस, फिर ईमेल, फ़ोन नंबर, पिन कोड। तो फ़ोन नंबर ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे देते वक्त गलती मत कीजिएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके पूरे डिटेल्स देंगे, आपने BEd या फिर DLed किया, फिर आपका आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चूज़ करेंगे, फिर लैंग्वेज क्या है, तो आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करेंगे। उसके बाद 3rd स्टेप आएगा, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, एंड लास्टली आप लोग पेमेंट करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में आपका हो जाएगा, बट सर्वर डाउन होने के कारण बहुत टाइम लग जाता है। तो आज लास्ट डेट है, आप कर लीजिए ये ओके। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे इस
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जो NIS से डायरेक्ट कर रहे हैं उनको बता देते हैं कि हमारे चैनल में हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ डाल दिया है, आप सिर्फ आइए और देख के पढ़ाई करिए। और प्लीज़ आप लोग शेयर करिए हमारे वीडियोस को ताकि दूसरे टीचर्स लोगों को भी ये अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन और नोट्स मिल जाए। और जी अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत ही शेयर करिए, ओके तो। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब जब हम लोग वीडियोस डालेंगे तब तक आप लोगों को मिल जाए। तो हम और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि DLED के एग्जामिनेशन तो ऑलमोस्ट 16 को ख़त्म हो जाएगा उसका, और जो CTET एग्जामिनेशन है वो 7 July को है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को CTET के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, फिर बुक्स क्या क्या पढ़ने हैं ये सब देंगे, ट्राई करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और तो चलिए इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।